आवश्यकता
यानी नहीं भविष्यति यानी होगी, यानी लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज की एवं नए ज्ञान अर्थात शब्द की खोज की शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब देखो किम आदाय वयम सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः, यानी किसके आधार किसे लेकर हम सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं, तो क्या लेकर चल दूरभाषी यंत्रणी यानी मोबाइल फोन लेकर हम सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कस्मिन रूपे काना आवश्यकता न भवति, कहाँ रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, वस्त्र फुटके यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कस्य आवश्यकता न भविष्यति, किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो पासबुक और चेक बुक की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे पास मोबाइल है तो हम सारे कार्य उसी से साथ 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 सकते हैं, करने में समर्थ हो सकते। आगे देखो अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शक से मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग से अपरिचित यानी अनजान मार्ग से यानी रास्ते को, अनजान रास्ते को ज्ञानार्थम यानी जानने के लिए, यानी अनजान रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक से यानी रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक यानी मार्ग को दिखाने वाले रास्ते को दिखाने वाले मानचित्र से यानी मानचित्र अर्थात एटलस की आवश्यकता यानी आवश्यकता अनुभूति यानी अनुभव न भविष्यति यानी भी नहीं होगी, यानी एटलस की भी आवश्यकता नहीं होगी, यानी अनजान रास्ते को दिखाने के लिए अनजान रास्तों के ज्ञान अर्थात जानने के लिए मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब हम केवल एक ही यंत्र से कर सकते हैं, यह सब हम किससे कर सकते हैं, एतत् यानी यह सर्वम यानी सब एकेनैव यानी एक ही यन्त्रेण यानी यंत्र से कर्तुं यानी कर शक्यते यानी सकते हैं, तो नेक्स्ट इसमें शब्दार्थ है शक्यते। विश्राम गृह सु कक्षम, कक्षम यानी होता है कमरा,
कक्षम यानी कमरा, सुनिश्चितम कर्तुम सुनिश्चित कर्तुम यानी करने के लिए, चिकित्सालय यानी चिकित्सालय अस्पताल में, शुल्कम यानी बिल, प्रदातुम यानी चुकाने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि एक ही यंत्र से हम सारे कार्य साधित कर सकते हैं, सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं, फल आदि खरीदने के लिए, सब्जी आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृह अर्थात होटल में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, और तो और विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क चुकाने के लिए यानी फीस चुकाने के लिए, बहुधा दानम अपि बहुत अधिक दान करने के लिए यानी स्कूल और कॉलेजों की फीस भरने के लिए, और अधिक क्या दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में यानी मोबाइल फोन से अलम यानी मोबाइल फोन दान देने के लिए भी मोबाइल ही अलम यानी पर्याप्त है, यानी एक मोबाइल से ही हम सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं, जैसे फल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, होटल में कमरा बुक करवाने के लिए, और तो और यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज में फीस भराने के लिए यानी फीस शुल्क जमा करवाने के लिए, और तो और दान देने के लिए भी हमें पॉकेट में पैसों की जरूरत नहीं है, वो सारे कार्य कौन सिद्ध कर सकता है, मोबाइल से ही हम सारे कार्य सक्षम करवा सकते हैं, सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। डीजी भारतम इति यस्यां दिशं वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रे सरामः है। डीजी भारतम यानी डिजिटल भारत इति यानी इस दिशि यानी दिशा में, अस्यां दिशि डिजिटल भारत यह है, इस दिशा में वयम यानी हम सभी भारतीय यानी भारतवासी द्रुतगत्या यानी तीव्र गति से, द्रुतगत्या यानी तीव्र गति, अनजान रास्ते में ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता की भी अनुमति नहीं होगी, यह सब केवल एक ही यंत्र से सिद्ध किए जा सकते हैं, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए, होटल में कमरा बुक करवाने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में फीस चुकाने के लिए, अस्पताल में बिल भरने के लिए, और दान देने के लिए भी हमें मतलब जो हमारी जो पॉकेट है, जेब है, उसके अंदर पैसों की आवश्यकता नहीं है, सारे कार्य मोबाइल से सिद्ध किए जा सकते हैं, और मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं कि फल आदि क्रियार्थम किम प्रयुज्यते सांप्रतम, फल आदि साग आदि फल आदि खरीदने के लिए किसका प्रयोग आजकल किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या करोगे, चल दूरभाष यंत्र। क्वेश्चन लिखो, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लिखना है आपको। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम
अनुभूति ही क्लास।
में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हो सके तो आप भी इसको करने की कोशिश करना। जितने क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी आपको अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। शब्दार्थ जो करवाए हैं वो भी आपको करने हैं। तो स्टूडेंट्स जो काम दिया जाता है उसको मतलब उसी दिन करना है और साथ साथ में इसको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।